जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह हिस्ट्री की कक्षा क्लास 7 की है, जिसमें आज हमें 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल करनी है कि यह 1000 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उसके दौरान क्या क्या परिवर्तन में हमें देखने को मिले हैं। इसी को कहते हैं ट्रैकिंग चेंज थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। देखते हैं, आप जब भी पढ़िए अपने बुक के साथ पढ़िए, बुक को साथ में रखिए और एक पेन पेपर और एक मैप अपने साथ में रखना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो भी चीज़ अगर पॉइंट देखे उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है। जिसमें देखते हैं, कहता है मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। नाम नोट करते चलिएगा, यही नाम सब काम आता है, अल इदरीसी। यह एक भूगोलवेत्ता था जिसने अरब का था, यह अरब का था, अल इदरीसी, ध्यान दीजिएगा। 1154 में इन्होंने एक मैप बनाया था, सीई कॉमन ईरा। अल इदरीसी, ठीक है, एक मैप बनाया था जिसने कहा था, यह नक्शा दिया गया था, वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा, जो दुनिया के लिए था एक हिस्सा, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। कहता है मानचित्र वन यानी मैप वन वॉज द मेड इन द 1154 सी कॉमन इरा बाय द अरब जोग्राफिकर्स अल इदरीसी। द सेक्शंस रिप्रोड्यूस हेयर इज अ डिटेल्ड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखिएगा मानचित्र टू, दूसरा एक और है, एक फ्रांसीसी मानचित्र, फ्रांसीसी के थे, और फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं और मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है, दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिखाया गया है, जो कि श्रीलंका हमारे नीचे में है। अगर इंडिया के मैप की बात करते हैं तो इस तरह से, अगर भारत की मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यह एक छोटा सा श्रीलंका है, ठीक है, यह श्रीलंका है, यह इंडिया है, यह हमारा नॉर्थ पार्ट है, यह हमारा नीचे वाला सॉरी साउथ पार्ट है, और ऊपर वाला का बात करते हैं, यह हमारा नॉर्थ पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। फिर कहा मैप टू वॉज अ मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर्स। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थॉट, दे आर ऑफ द सेम एरिया, एक ही एरिया के बने हुए हैं। इन अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया इन वेयर वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्री लंका इज द आइलैंड एट द टॉप, ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे देखा मानचित्र दूसरा, जिसमें कहता है पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद दूसरा मानचित्र बनाया गया था, और देखा उसमें। फिर कहा यूरोप के नाविक तथा व्यापारिक अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो यह जो नक्शा बनाए जाते थे, दो नक्शे, एक हमने यह तो फर्स्ट नक्शा हमने देखा, मैप देखा। सेकेंड मैप की भी अगर बात करते हैं, सेकेंड मैप की बात तो 1720s के दशक में किया गया था, डिकेड में किया गया था, फ्रेंच चीज या फ्रांस के थे, इनके द्वारा, फ्रांस के द्वारा किया गया था। और देखते हैं इन मैपों का जो यूज होता था, यूज क्या होता था, यूज जो था ट्रेड के लिए होता था, या कोई अपने देश को छोड़ करके बाहर की ओर अगर घूमना चाहता है, दूसरे देश में यात्रा करना चाहता है, उसके लिए इसका उपयोग होता था, ठीक है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी हो गया, उसी चीज को कहा। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर्स एंड द मर्चेंट्स ऑन देयर बैगेज बॉगेज। आगे देखिएगा नई और पुरानी शब्दावली, न्यू एंड ओल्ड डिक्शनरी, जिसमें देखते हैं क्या कहता है, चलो हाँ, टर्मिनोलॉजी या डिक्शनरी जो भी कह सकते हैं। कहता है कि ऐतिहासिक
अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषा भी समय के साथ बहुत बदलती है, ठीक है। क्यों? जो अभिलेख होती है, सपोज डेट मान के चलो कि एक अभिलेख, मतलब एक मान के चलो एक अभिलेख अभी लिखा गया 1000 में, दूसरा अभिलेख लिखा गया 1200 में, तीसरा अभिलेख लिखा गया 1500 में, चौथा अभिलेख जो होता है इसको लिखा गया 2000 में। तो इनमें अंतर क्यों आता है? अंतर आने के पीछे कारण है कि जैसे आप अपनी कक्षा में बैठते हैं, आप अपनी दोस्तों की कॉपी से ताक झांक करके लिखते हैं, लिखा उन्होंने भी उसी चीज को है, आपने भी लिखा है, लेकिन लिखने में कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो या कुछ ज्यादा कुछ गलत लिख लेते हैं। तो इसीलिए जो, या जब अभिलेख लिखी जाती है, जो इसके बाद आने वाले कुछ छोड़ दिए, जैसे कोई वर्ड समझ में नहीं आया आपका लिखा हुआ, तो जो लिखेगा वो तो गलती लिख देगा, फिर आगे लिखा, फिर उसको नहीं समझ में आया तो वो कुछ और लिख देगा या कुछ एक आध लाइन अपने मन से जोड़ देगा। तो इसीलिए इसमें अंतर देखने को मिलता है। उसी चीज को कहा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली, हाँ कंसिडरेबली कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जिसमें आगे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए और आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत कहते हैं, अर्थ लेते हैं। देखिएगा हिंदुस्तान शब्द आज वर्तमान का भारत है। हम लोग कहते हैं ना भारत को तीन चार पांच नामों से जानते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि फिर भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, सारे नाम से हम भारत को जानते हैं। उसके बाद देखिएगा इसी चीज को कहा उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए और आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के नाम से जानते हैं। और 13वीं सदी में जब फारसी ने, इतिहासकार मिन्हाज असिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो जो हिंदुस्तान है, इसका जो प्रयोग पहली बार किया गया था 13 सेंचुरी में किया गया था, और इनका प्रयोग जो था सिराज, हाँ जिसका नाम था इतिहासकार मिन्हाज सिराज द्वारा इसका यूज पहली बार किया गया था, मिन्हाज अ सिराज द्वारा इसका पहली बार हिंदुस्तान शब्द का यूज किया गया था। और तो उसका आशय था पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित। तो इन्होंने इस हिंदुस्तान शब्द जो मिन्हाज साहब ने किया था, इसका जो शाब्दिक अर्थ में था पंजाब हरियाणा और प्लस में गंगा के कुछ क्षेत्र के बारे में इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आज इसका अर्थ हो गया है पूरे भारत के बारे में, ठीक है। देखिएगा पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था और उससे इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। मतलब बहुत शासक हुए, लेकिन ये दक्षिण भारत जो हम देखते हैं, या दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, बहुत लोग हुए, लेकिन इधर शासन सबके बस की बात नहीं रही। इधर जो हुआ, सबके बस की शासन इधर बात नहीं रही, और भारत उत्तरी छोर पे तो लगभग लोगों ने शासन करना चाहा, ये नॉर्थ वाले पोर्शन में, लेकिन इधर वाले आप देखते हैं, इधर वाले पोर्शन पर लोगों ने शासन नहीं कर पाया जल्दी। इसका कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि इधर का रीजनल एरिया बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो स्वाभाविक है, तमिल में आप देखते हैं, तमिल होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज इधर होते हैं जिनको बोलना सब लोगों के लिए तो संभव होता नहीं है, इसीलिए इधर शासन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आगे देखिएगा उसी के बाद, और फिर सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में हिंदू दक्षिण भारत समावेश कभी नहीं हो सका। आगे देखिएगा, कहता है टेक द टर्न हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट वॉज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट।
When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, considered who wrote in the Persian wants the areas of Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in the political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultanate, or yeah, Delhi Sultanate ke domain the. ठीक है, आगे देखिएगा. उसके विपरीत 16 सेंचुरी के आरंभ में बराबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया, जो बराबर थे उनके द्वारा. बाय कंट्रास्ट ही इन द अर्ली 16th सेंचुरी या 16वीं शताब्दी में बाबर के बारे में कहते हैं, बाबर ने इनको पशु पक्षियों, जो बाबर था 16वीं शताब्दी यानी 1526 में, बाबर जो है BABUR लिखते हैं, बबूर, बा ब र, जो बाबर था इनको हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान था इसका मतलब उन्होंने प्रयोग किया उपमहाद्वीप के भूगोल, जैसे जो भारत उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के लिए उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, और आप देखते हैं कि और यहाँ निवासियों की संस्कृति के लिए, जो निवास करते थे, निवासियों की संस्कृति के लिए संस्कृति का वर्णन करने के लिए इनका बाबर ने उपयोग किया. ठीक है, बाबर कौन था? बाबर मुगल सत्ता का एक सेनापति जिसने भारत में मुगल सत्ता स्थापित की और 1526 में पानीपत के युद्ध में उसकी जीत होती है और भारत में मुगल सत्ता का परचम लहराता है. और उसके बाद 1526 से लेकर के 1707 तक भारत में मुगल सत्ता शक्तिशाली रहती है, लेकिन बाबर के मरने के बाद वह धीरे धीरे बाबर नहीं औरंगजेब के मरने के बाद वह धीरे धीरे शक्ति क्षीण होते चली जाती है और पूरे भारत में एक नए शासन का उदय होता है अंग्रेजों का. और उसके बाद जो अंग्रेज थे वो अपने पांव पसारने लगते हैं. उसके बाद तकरीबन 1947 तक उन्होंने भारत पर राज किया और हम लोग को गुलाम बना करके रखा. इसके स्टेटमेंट में जो मार्क्स हैं, एक मार्क्स है, मार्क्स का एक मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 40 से 42 पेज का है, जिसमें मार्क्स ने कहा कि उन्होंने मार्क्स का था कि दुनिया के मजदूरों एक हो और अपने लिए संघर्ष करो, लेकिन भारत के सेंस में मार्क्स ने कहा कि भारत असभ्य है, भारत को सभ्यता सिखाने के लिए उनको गुलाम बने रहना जरूरी है. मार्क्स ने कहा, एक समाजवादी सोच के विचारधारा, उसने ऐसा कहा भारत के बारे में. आगे बढ़ते हैं, देखिएगा. उसके बाद यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ कुछ समान या मगर या भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल, भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा सकता है था. वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं. ठीक है, आगे देखना. As we'll see later in the chapter, this was somewhat similar of the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. और अमीर खुसरो ने 14th century में 1300 से 1400 के बीच में हिंद शब्द का प्रयोग किया था, हिंद के बारे में हिंद बोला था. ठीक है, और वाइल द आइडिया ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी लिखी हो, क्या लिखी हो रे, ई एन टी आई टी वाई
identity like India did exist, the terms Hindustans did not carry the political and national meanings which we associate with the in today, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, जिसमें हिंदुस्तान में आप पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सारे एस्पेक्ट को देखते हैं उसी तरह से। फिर देखिएगा, मानो किसी में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज का था, संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाया था, और ऐसे व्यक्ति को हिंद के परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ठीक है, यानी जो विदेशी कहते थे, संस्कृति का न हो, यानी जो भारत का न हो, वो दूसरे कहीं से आया हो, उसके विदेशी कहा जाता था। जो देश का नहीं, जो देशज नहीं है, वह विदेशज है। ठीक है, द मेडिएवल पीरियड फॉरेनर्स वॉज एनी स्ट्रॉन्गर्स हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो इस सोसाइटी और कल्चर का नहीं है। फिर देखना, इन अ हिंद द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्सियंस अजनबी। ठीक है, पर्सियन में अजनबी कहते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 770 से लेकर के 1770 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज इन दिस चैप्टर्स वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750। दैट मीन्स यह हम उस काल के बारे में पढ़ेंगे जो मिडिएवल एज के बारे में कह सकते हो। ठीक है, आगे देखना, इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण, स्थापत्य कला जिसमें भवन निर्माण वगैरह होती है ना, बिल्डिंग वगैरह जो बनाई जाती है, उसके बारे में तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, और पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। ठीक है, आगे देखना, फिर कहता है भिन्न भी हैं, और इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता यानी डाइवर्सिटी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है। फिर कहता है इसके आगे, इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे हैं। दे स्टिल रियली ऑन क्वाइंस इंस्क्रिप्शंस एंड उसके बाद आर्कोलॉजिक आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचर रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, बट थ्री इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटिंग द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे स्लोली डिसप्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, दूसरे टाइप का जो भी सूचना उपलब्ध है, through this period paper gradually becomes cheaper and more widely available। ठीक है, देखो, लोग धर्म ग्रंथ शासकों के वृतांत, संतों के लेख तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग किया करते थे। क्या जो आपने देखा, बहुत तरह की आपको प्रमाणिक सामग्री जो संख्या में मिलती थी, उससे इन सब चीजों का पता लगाया जा सकता था। आगे कहता है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे, जो उनका लिखा हुआ था उन लेख में उन्होंने, जैसे देखते हैं बहुत सारे पब्लिशर जो है बुक लिखते हैं, ठीक है, तो बुक में आप देखते हैं कि रिवाइव करते हैं ना, जैसे नई चीज अगर कुछ घटना होती है, जैसे पॉलिटी की बुक ले लो, पॉलिटी की कोई बुक होती है, ठीक है, तो बुक इस बार छप गई, फिर अगले साल या उसके अगले साल उसको रिवाइव किया जाता है, तो उसी बुक को देखते हैं आप, कहता है कि 13 एडिशन, 14 एडिशन, 20 एडिशन, मतलब कहने का मतलब कि वो एडिशन बार बार उसको रिवाइव करके, जैसे एनसीईआरटी मान के चलो 5 साल 7 साल पे रिवाइव होता है, तो और
जो प्राइवेट वाले स्कूल होते हैं उनके बुक्स वगैरह हर साल में रिवाइव होकर के नया बुक मिलता है, ठीक है, तो उसी तरह को कहते हैं, उसी तरह उसको कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा उसी चीज को, कहा ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइव देयर क्रोनिकल्स एट डिफरेंट, उसके बाद डिफरेंट टाइम्स दे 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी, उसके बाद क्रोनिकलर क्रोनिकल्स जियाउद्दीन बर्नियर रॉट हिज क्रोनिकल्स फर्स्ट इन द 1356 1356 में, एंड अनदर वर्जन 2 ईयर्स लेटर, दे टू डिफरेंट फ्रॉम इच अदर्स, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन स्टिल 1960s, एंड उसके बाद इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। मतलब उसको रिवाइव करके 1900 जो 1356 का जो बुक था उनका, उसको रिवाइव करके 1960 में फिर से किया गया, लेकिन बहुत सारे जो उसके पार्ट्स थे वह क्या हो गए थे, मिस हो गए थे, लैप्स हो गए थे, जितना थे उनको रिवाइव किया गया। जैसे भगत सिंह जेल में मरे थे, मतलब उनको जो फांसी दी, तो उनको मरने के बाद उनके अंग्रेजों, उनके द्वारा जितने भी लिखे हुए थे अंग्रेजों ने कुछ जला दिए कुछ किए, लेकिन बाद में उनकी जीवनी के 15-20 पेज का मिला तो उस पर उन पर प्रकाशन हो रखा है, कुछ सुने हुए किंवदंती है जिसके द्वारा उनके बारे में लिखा जाता है। तो इसी तरह से ऐसे देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह या क्या थे। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहता है रखता है, और मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके तहत के परिवर्तन हुए, और इस काल में अलग अलग समय पर नहीं प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, और जैसे सिंचाई के रहट, कताई के उसके बाद चरखे, और युद्ध में अग्नास्त्रों बारूदी वाले हथियार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे देखिएगा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स कहता है द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन, वही है 700 एंड 750s, इन अ ह्यूज चैलेंजेस टू हिस्टोरिकन्स एंड लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल्स एंड द वैरायटी ऑफ अ डेवलपमेंट दैट अकर्स ओवर द पीरियड्स एट डिफरेंट मोमेंट्स। इन दिस पीरियड्स न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पर्सियंस व्हील, पर्सियन व्हील्स मतलब चक्के का जो होता है, ठीक है, पर्सियंस व्हील्स इन द इमिग्रेंट सॉरी इरीगेशन, द स्प्रिंगिंग्स व्हील्स इन द इन बेबिंग्स एंड फायरमैन्स इन कॉम्बैट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू जैसे आलू मक्का मिर्च चाय और कॉफी, ये सारी चीज आपको देखने को मिलती हैं जो विदेशों द्वारा भारत में लाया गया था, ठीक है। उसी चीज को कहा न्यू फूड्स एंड द बिहेवियर, हाँ बिहेवियरीज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स, पोटैटोज कॉर्न्स चिलीज टी एंड कॉफी। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बढ़ गया था, और लोग एक स्थान से दूसरे जगह जाया करते थे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक हो गया, फिर देखिएगा आगे क्या कहता है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बड़ा, उसमें एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से निकला हुआ है, जिसको राजपुत्र कहा गया। वन ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड्स वर द राजपूत, जो राजपूत आपने देखा कि यह राजस्थान वाले क्षेत्र पर इन सब चीजों पर आपको, मतलब राजस्थान वाले क्षेत्रों में ज्यादातर आपको राजपूत वगैरह देखने को मिलते थे, और यह खुद में इनकी तलवार शांत नहीं रहती थी, खून के प्यासे होते थे, कभी खुद में लड़ लेते थे, कभी कैसे भी लड़ लेते थे, कभी बाहरियों से लड़ते थे, जिनका कारण सबसे बड़ा बैड इम्पेक्ट हुआ कि बाहरी यहाँ पे पैर पसार सके। और सबसे उसके बाद आपने देखा कि एक सबसे 1100 1100 के आसपास, 1100 1200 के आसपास एक सबसे शक्तिशाली एक राज्य चामा जो एक वंश निकला, जो आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से, जिसने मोहम्मद गुरी 91 में 1191 में तरह एक युद्ध में हारते हैं जीतते हैं, और दूसरे युद्ध में फिर उनको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके वसूल जो होते थे ना, इनको डुबा देते थे वसूल, कि हम निहत्थे पे वार नहीं करेंगे, पीछे से किसी पे वार नहीं करेंगे, आगे से वार नहीं, भाई वार नहीं करेंगे तो बाद में वार खाइए।
अब बाढ़ नहीं करेंगे तो बाद में क्या हुआ, गोरी के साथ हुआ, गोरी को पहला बारी छोड़ दिए, अब दूसरा बार ट्रायन में इनको हार का सामना करना पड़ा, गोरी इनको बंधक बना करके ले गया, गोरी अपने घर ले गया बंधक बना करके, वहां खूब खिलाया पिलाया, आंख निकाल लिया, पृथ्वीराज चौहान का आंख निकाल लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अंधे आंखों से उसको तीर चला करके मार दिया। पृथ्वीराज के बारे में कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो बताएंगे, स्टोरी चलेगा उसके ऊपर। चलिए फिर देखिए, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजा का पुत्र अर्थात होता था। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, अ नेम डिराइव्ड एन आई एम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, राजपुत्र द सन ऑफ द रूलर। ठीक है, आगे देखना कहता है, 18वीं से उसके बाद 18वीं से 14वीं, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, जो क्षत्रिय होते थे, क्योंकि चार वर्णों में बांटा गया था, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य और एक शूद्र, चार वर्ण थे ना, उन्हीं चार वर्ण में एक ही सेकंड वाला वर्ण था, ब्राह्मण को ऊपर रखा गया था, ब्राह्मण के नीचे जो क्षत्रिय थे उनको रखा गया था। आगे देखिएगा, बिटवीन द 18th हाँ 8th एंड द 14th सेंचुरीज द टर्म्स वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ द वॉरियर्स हु क्लेम्ड, उसके बाद क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिकों भी आते थे जो सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। आगे, इसे पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, ये जो पीरियड थी एग्रीकल्चर जो लैंड थी वह स्प्रेड होती जा रही थी और जुताई वगैरह भी बढ़ती जा रही थी, फॉरेस्ट वगैरह डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, यही जो आप देख रहे हैं 700 से लेकर के 1750 के बीच में। ठीक है, इनको मिडिएवल एज कहा जाता है हिस्ट्री में, इन मिडिएवल एज कहा जाता है, हिस्ट्री को तीन चरणों में बांटा गया, एंशियंट में, मिडिएवल में और एक मॉडर्न में, तीन स्टेज में हिस्ट्री को बांटा गया है, जिसमें एक स्टेज में यही आप बीच वाले स्टेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी एक को कहा प्राचीन भारत, दूसरे को कहा मध्य भारत और तीसरे को कहा आधुनिक भारत जो आज हम जी रहे हैं महात्मा गांधी के बाद। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए और कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं पर उसके बाद पुजारियों मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे और कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होते थे तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। ठीक है, आगे देखना, फिर चलिए फिर देखिएगा, अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने आप में नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के एक सभा कराती थी और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। यानी उसके बाद देखिएगा, क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं रीजन एंड एम्पायर, इसमें कहा असंस्कृत पर्सी, उस देख लीजिए, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और 1266 से लेकर के 1387 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, बलबन को, और बलबन को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि गुलाम द्वारा एक गुलाम बना और गुलाम के द्वारा इसको खरीदा गया इसीलिए, और जो पूर्व में बंगाल गौर से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, नागर शैली जो होती है उन शैली द्रविड़ भी आ जाती है उसी। उसके बाद देखिए क्या कहा, असंस्कृत प्रशस्ति परसीज हाँ प्रेजिंग्स द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबंस 1266 to 1287 एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज द रूलर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर्स दैट द स्ट्रेचेज फ्रॉम बंगाल्स, उसके बाद बंगाल्स इन द ईस्ट बंगाल
इन द ईस्ट ऑफ द गजनी और इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया द्रविड़ा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा, फिर देखिए क्या कहता है। फिर कहा, सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनको उनकी अपनी भाषा और संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट की गई थी। आगे चर्चा करते हैं, जिसमें कहता है कि विशेष शासक राजवंशों में भी जुड़े हुए थे, कभी कभी चोल खणी, उसके बाद चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समाज रूप में यानी सामान्य रूप में स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, आगे पुराने और नए धर्म के इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई परिवर्तन आए, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, जिसमें कहा द थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ अ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। उसके बाद किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है, और जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से किस तरह से बदलाव हुए, फिर देखते हैं धर्म के बदलाव हुए, प्रसार हुए, प्रचार हुए, फिर आप देखते हैं इनके संरक्षण ने नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठित की चाह में थे, प्रतिष्ठा की चाह में थे कि हम अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाएं। फिर उसके बाद द डोमिनेंट पोजिशंस वॉज द कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट्स ऑफ देयर पार्ट हाँ पैट्रॉन्स न्यू रूलर्स सर्चिंग फ्रॉम प्रेस्टाइज। ठीक है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, और इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेम इष्ट देवी यानी देवता के रूप में की गई। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या कहता है। फिर इसी तरह से यह कल्पना बनी, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों को न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा की संरचना दी गई। धर्मशास्त्र धीरे धीरे 7वीं से लेकर के आप देखते हैं कि इस्लाम का भी उदय होता है, बहुत सारे धर्मों का उदय धीरे धीरे रिलीजियस ओरिजिन होते हैं। फिर हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने धर्म की अलग अलग तरह के व्याख्या करते थे, जिसमें कहा कि एंड लाइक हिंदुस्तान, उसके बाद हिंदुइज्म इस्लाम वॉज द इंटरप्रेटेड इन एंड द वैरायटी वॉज वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर क्या कहा, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं, यदि अतीत को समझना समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों का कालों में जब हम उनका बांट दिया जाता है जाए तो समय का अध्ययन कुछ समान हो जाता है। कहता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें कहता है द स्टडी ऑफ अ टाइम इज अ मेड सम वट इरेजर्स बाय द डिवाइडिंग द पोस्ट पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट क्रिएट्स दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टराइजिस्टिक्स। फिर उसके बाद इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन टू थ्री पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और ब्रिटिश रूल के समय हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के समय यह बट गया, उनके काल में तीन क्या कहा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बट गया। इतिहासकार द्वारा भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। दिस थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दी में काफी काफी भिन्नता थी, और देखते हैं जिसमें कहा कि आफ्टर ऑल द 16 एंड द 18 सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और द 11th सेंचुरी। ओके, जिसमें कहा मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है, और द मिडिवल्स पीरियड्स ऑफ फेन कंट्रास्ट विथ द मॉडर्न पीरियड। उसके बाद फिर क्या कहता है, कहता है कि इन हजार वर्षों के दौरान इन उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनके यूरोप की व्यापारिक कंपनियां को भी आकर्षित करती थी। ठीक है,
उसके बाद ड्यूरिंग दिस थाउजेंड ईयर्स द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर द ट्रांस ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड द इकोनॉमिक्स इन द सेवरल रीजन्स रीच लेवल्स ऑफ द प्रोस्पेरिटीज दैट्स अट्रैक्ट विद द इंटरेक्ट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशन कंपनीज। चलिए हमारी कक्षा समाप्त होती है, अगली कक्षा में जल्द ही मिलेंगे, तब तक चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।